हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमर एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग टीवी। तो आज हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस रोमन रेंज और जिंदर मोहन के दरमियान पॉसिबल फ्यूड जो शुरू होने वाली है जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और पॉसिबिलिटीज क्या है इस फ्यूड के शुरू होने के बारे में तमाम बात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे रात में होने वाले दो मोट मैचेज जो अगले मंडे नाइट ड्रामा में देखने को मिल सकते हैं। तो दर किस बात के चैलेंज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्रॉ में होने वाले दो बड़े मैच जो कंफर्म हो गए हैं। सबसे पहले मैच जो नेक्स्ट ड्रॉ के लिए कंफर्म हुआ है वो है लास्ट चांस फॉर ऑल द वुमेन टू क्वालिफाई इन द लैडर मैग मैच, मतलब कि जो भी वुमेन सुपरस्टार अपने क्वालिफाइंग मैचेस जो हार चुकी हैं उनको दोबारा चांस दिया जा रहा है। और ये होगा गॉन्टलेट मैच, यानी कि जो कभी भी एक वुमेन इस मैच जीतेगी क्वालिफाई कर जाएगी वुमेन मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। और उसके बाद दूसरा बड़ा मैच जो अगले मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म हुआ है वो सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इस मैच के बुक होने से अब हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस जिंदर महल के दरमियान शुरुआती फ्यूड होने वाली है जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो जैसे कि आपको बताया कि नेक्स्ट वीक सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल मैच होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और आप इस मैच को कोई छोटा मोटा मैच न समझे बल्कि मैच काफी तकड़ा होने वाला है और हमें काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल के दरमियान। और आप यह ना समझे कि सेथ रॉलिंस बड़े आराम से जिंदर महल को हराकर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर लेंगे, बल्कि हो सकता है कि क्या पता इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरीलाइन के मुताबिक कुछ चेंजेस आए और सेथ रॉलिंस अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिंदर महल से हार भी जाए। और हो सकता है मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस में जिंदर महल वर्सेस रोमन रेंस के दरमियान जो मैच है उसमें हम एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ट्रिपल सेट मैच है और वो भी चेंज हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके लिए नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ काफी इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिंदर महल और सेथ रॉलिंस के दरमियान जो मैच। तो अगर ये मैच सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं तो इसका खास मकसद नहीं है इस मैच का, क्योंकि फिर जिंदर महल आराम से हार जाएंगे और उनका मैच रोमन रेंस के समय तो पहले ही बुक हो जाता है। तो अगर सेथ रॉलिंस के लिए कोई अपोनेंट नहीं है और उनके लिए जिंदर महल चुना गया तो ये फिर खास मैच ना होकर जिंदर महल इस मैच को आराम से हार जाते हैं और सेथ रॉलिंस इस मैच को आराम से जीत जाते हैं। हाँ, इस मैच में एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जिंदर महल इस मैच को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ला रहे हैं और अचानक से पीछे रोमन रेंस अटैक करते हैं जिंदर महल पर और अपने उस पिछले अटैक का बदला लें जो कि उन्होंने लास्ट वीक सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों पर इकट्ठे अटैक किया था। तो हो सकता है यही पॉसिबिलिटी हो कि रोमन रेंस वर्सेज जिंदर महल के दरमियान फ्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब कर रही हो। कुछ भी पॉसिबिलिटी हमें नेक्स्ट मंडे नाइट में देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें पता चलेगा रोमन रेंस का फ्यूचर क्या है, जिंदर महल का फ्यूचर क्या है और सेथ रॉलिंस एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन फ्यूचर क्या है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जिंदर महल ने रॉ में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस पर अटैक किया और उसके बाद उनका बैक स्टेज में एक इंटरव्यू हुआ जिंदर महल का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो रोमन रेंस को मनी इन द बैंक में तो हराएंगे रहेंगे, इससे पहले वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कैप्चर करेंगे सेथ रॉलिंस से। और उन्होंने इसके बाद कहा कि राज करूंगा राज। तो हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखे है जिंदर महल और उम्मीद है कि काफी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन के ऊपर ध्यान दे रही है और मनी इन द बैंक में पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ऐसी कुछ बातें जो मैंने आपको बतानी थी मंडे नाइट रॉ के बारे में, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में, जो कि आपने आपको सोचा कि आपको जरूर बतानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के तमाम अपडेट्स मिलती रहे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।